मैं हूं निवेदिता शुक्ला। भारत के जिस राज्य की हवा में बारूद की गंध घुली हो, जहां रोज तोप गोला गोलियों की बौछार की आवाज सुनाई देती हो, वहां कोई शख्स आतंकवादी से सैनिक बन जाए तो वो अपने आप में बेमिसाल है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के नजीर अहमद वानी एक ऐसे ही जिंदा दिल शख्स थे, जो आतंकवाद का रास्ता छोड़कर भारतीय सैनिक बने और फिर आतंकियों के खिलाफ एक एनकाउंटर में शहीद हुए और अब उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा जा रहा है। आज हम आपको इसी जिंदा दिल शख्स की कहानी बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्यों नजीर अहमद आजकल सुर्खियों में है, जो इस साल शांति काल में दिए जाने वाले भारत के सर्वोच्च वीरता सम्मान अशोक चक्र के लिए चुने गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम तहसील के अशमूजी गांव के रहने वाले नजीर एक समय खुद आतंकवादी थे और बंदूक थाम कर वो बदला लेने निकले थे, पर कुछ वक्त बाद ही उन्हें गलती का एहसास हो गया और वो आतंकवाद छोड़कर सेना में भर्ती हो गए। और पिछले साल 23 नवंबर 2018 को जब नजीर 34 राष्ट्रीय राइफल्स के साथियों के साथ ड्यूटी पर थे, तब इंटेलिजेंस से शोपियां के बटागुंड गांव में हिजबुल और लश्कर के 6 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। इंटेलिजेंस से इनपुट ये भी थे कि आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार है। नजीर अहमद वानी और उनकी टीम को आतंकियों के भागने का रास्ता रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब नजीर और उनकी टीम मौके पर पहुंची तो आतंकियों को कहीं से भनक लग गई और आतंकियों ने खतरा देखते हुए तेज गोलीबारी शुरू कर दी और ग्रेनेड भी फेंके। ऐसे में आतंकियों की हड़बड़ाहट को देख वानी ने एक आतंकी को करीब से गोली मारकर खत्म कर दिया। 23 नवंबर 2018 के इस एनकाउंटर में वानी और उनके साथियों ने कुल 6 आतंकियों को मार गिराया था। हम आपको ये भी बताते चले कि नजीर अहमद वानी ने खुद ही 2 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं आतंकियों से लोहा लेते हुए वानी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। 26 नवंबर को सुपुर्दे खाक होने से पहले नजीर अहमद वानी को उनके गांव में 21 तोपों की सलामी दी गई थी। जब नजीर अहमद वानी की मौत हुई तो वो अपने पीछे पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए। वानी को मरणोपरांत इस साल अशोक चक्र से नवाजा जा रहा है, जो भारत का शांति के समय में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। हम आपको बता दें कि अशोक चक्र के बाद कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र का नंबर आता है। वानी की बहादुरी का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि वो 2 बार सेना मेडल भी जीत चुके हैं। तो नजीर अहमद वानी के लिए जगदम्बा प्रसाद मिश्र का एक शेर अर्ज है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा।